गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोग कर रहे थे स्पेशल नीड्स के, स्पेशल चिल्ड्रन के क्या क्या नीड्स हैं इसके बारे में जान रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे नीड्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग करेंगे एजुकेशनल नीड्स और मेडिकल नीड्स। जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उसके एजुकेशनल नीड्स क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। एजुकेशनल नीड यानी कि शैक्षिक आवश्यकताएं। शैक्षिक आवश्यकताएं कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जो उनका जो एजुकेशनल आवश्यकता है वो कैसी होनी चाहिए, उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि लचीला पाठ्यक्रम। उनके लिए हमेशा इवैल्यूएशन हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए थोड़ा सा लचीला रखना पड़ेगा। तो ये उनकी नीड्स है। तो उनके लिए कैसा रखना, कैसा करिकुलम होना चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। डिफरेंट टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स एक्सेट्रा, विभिन्न शिक्षण विधियाँ, रणनीतियाँ और तकनीकें आदि, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनके लिए विभिन्न अलग मेथड्स यूज़ करना पड़े, टीचिंग मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा, अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करना पड़ेगा और अलग टेक्निक्स भी यूज़ करना पड़ेगा जब उसको पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट है स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। मैंने पहले भी बताया था उनके लिए अलग सा टीचिंग मटेरियल्स होगा। जो आप नॉर्मल बच्चों के लिए आप टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं या TLMs यूज़ कर रहे हैं वो सेम चीज़ उनके लिए हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। तो उनके पास अगर कुछ ईजी या उनके लर्निंग के थ्रू जो मटेरियल्स है वो अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ब्रेल बुक्स मैंने बताया था, जो जिनको आईसाइट की बहुत कमी होती है तो वो ब्रेल बुक से पढ़ते हैं। ऑडियो एड्स, उनके पास वो सुनने के लिए कानों की मशीन अगर नहीं होगी तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। ये आप लोगों ने जाना है कि स्पेसिफिक जो है वो मैंने बताया अभी तुरंत कि स्पेशल जो है वो सब यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रेन टीचर यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल टीचर्स होना ज़रूरी है, उनके बारे में उनके ट्रेन टीचर्स होना ज़रूरी है, स्पेशल टीचर्स होना ज़रूरी है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। सो आप लोगों ने क्या क्या देखा एजुकेशनल नीड्स में, क्या क्या नीड्स ज़रूरत है? फ्लेक्सिबल करिकुलम की नीड है, डिफरेंट टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स की ज़रूरत है, स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की ज़रूरत है और लास्ट ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत है जिससे उनका जो स्टडी है वो बहुत ईजी वे में हो जाए। नेक्स्ट है मेडिकल नीड्स यानी कि चिकित्सक आवश्यकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा उपचार, उनके लिए स्कूल में हमेशा एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्जरी, शल्य चिकित्सा। किसी किसी बच्चे को, स्पेशल बच्चे को, उनको सर्जरी की भी ज़रूरत होती है तो उनको टाइमली यानी कि हो सकता है 4 साल में एक बार सर्जरी हो, 5 साल में एक बार सर्जरी हो तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल इश्यूज़ में। नेक्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट, चिकित्सा उपकरण। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको इक्विपमेंट चाहिए, उसकी इक्विपमेंट चाहिए होती है। पैसाकी हो गया, इनहेलर हो गया, ये सारी चीज़ें उनको हमेशा ज़रूरत होती हैं। फिर है एक्सेसिबल कंसल्टेशन यानी कि सुलभ परामर्श, उनके लिए एक एक्सेसिबल कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। हमेशा उनके लिए गाइड करें, उनको मार्गदर्शन दिखाए, वैसे टीचर्स की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है साइकैट्रिक कंसल्टेंसी कंसल्टेशंस यानी कि मनोरोग संबंधी परामर्श। कुछ कुछ बच्चों को इस तरह मनोवैज्ञानिक रोगों की वजह से मनोवैज्ञानिक संबंधी जो गाइडेंस परामर्श देते हैं वैसे टीचर्स की या वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है स्कूल्स में, घर पे, ताकि उनकी काउंसलिंग होते रहे और वो एग्रेसिव ना हो। मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जब उसकी कोई चीज़ उनसे नहीं बन पाता या नहीं हो पाता या नहीं समझ पाते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए साइकेट्रिक कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम लोगों ने देखा एजुकेशनल जो नीड्स है क्या क्या है और मेडिकल नीड्स
स्पेशल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है या डाउट होता है तो आज हम लोग क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।